नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। रणवीर कपूर रामायण पर आधारित डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म में नजर आने वाले हैं। वो फिल्म रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाते नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर ने इस रोल के लिए शराब पीना छोड़ दिया है, साथ ही वो फिल्म की शूटिंग पूरी होने तक नॉनवेज भी नहीं खाएंगे। फिल्म में उनके साथ साई पल्लवी सीता का रोल निभाएगी। वैसे रणवीर से पहले और भी एक्टर्स हैं जिन्होंने किसी पौराणिक किरदार को निभाने से पहले अपनी कुछ आदतों को बदल दिया, जैसे कि 2023 में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष में साउथ स्टार प्रभास ने प्रभु राम की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की शूटिंग से पहले प्रभास ने भी ड्रिंकिंग और नॉनवेज छोड़ दिया था। उनके एक करीबी दोस्त ने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रभास के लिए अल्कोहल छोड़ना मुश्किल नहीं था क्योंकि वो कभी कभार ही ड्रिंक करते हैं, लेकिन नॉनवेज छोड़ने में उन्हें काफ़ी दिक्कत आई थी। उनकी माँ भी इस बात से परेशान हो गई थी कि प्रभास को कुछ समय के लिए नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। दरअसल प्रभास की माँ को अपने बेटे के लिए तरह तरह की नॉनवेज डिशेस बनाने का शौक है, और जब उन्हें पता चला कि वो कुछ समय के लिए ऐसा नहीं कर पाएगी तो वो काफ़ी मायूस हो गई थी। अक्षय ने 2012 में रिलीज हुई फिल्म OMG 2 में कृष्ण भगवान का रोल प्ले किया था। इस रोल को निभाने से पहले अक्षय को माँ के कहने पर फिल्म की शूटिंग तक नॉनवेज छोड़ना पड़ गया था। अक्षय ने माँ की बात नहीं टाली और फिल्म पूरी होने तक नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया था। फिल्म हिट रही थी। 2023 में फिल्म का सीक्वल OMG 2 रिलीज हुआ जिसमें अक्षय ने शिवगण का किरदार निभाया। वैसे तो दारा सिंह रोजाना आधा किलो मीट खाया करते थे, लेकिन जब उन्हें 1986 में रिलीज हुए टीवी शो रामायण में हनुमान का रोल मिला तो उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। ये बात उनके बेटे विंदु ने एक इंटरव्यू में बताई थी। दारा सिंह रोजाना सुबह उठकर 1 घंटे तक हनुमान के रोल की प्रैक्टिस किया करते थे। शूटिंग से लौटने के बाद भी दारा सिंह अपना मेकअप नहीं हटाते थे। कई बार तो वो नींद में भी हनुमान के डायलॉग बड़बड़ाने लगते थे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।